हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फिल्म एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज के बारे में। इलियाना डिक्रूज को तो आप सब जानते ही होंगे या आपने इनकी मूवी देखी होगी। तो इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इलियाना डिक्रूज के फैन है तो इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। इलियाना का रियल नेम है इलियाना डिक्रूज, निकनेम है इल्लू, प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस है। इलियाना का जन्म 1 नवंबर 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और 2020 के हिसाब से ये 33 साल की हैं। इलियाना ने अपने स्कूल की पढ़ाई एसटी जेवियर्स कॉलेज मापुसा गोवा से की और इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करी दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। अब बात करते हैं इलियाना डिक्रूज के करियर के बारे में। इलियाना ने अपने करियर की शुरुआत 2006 में रोमांटिक तेलुगु फिल्म देवदासु से की और मैं आपको बता दूं, फिल्मों में काम करने से पहले इलियाना ने एक्टिंग क्लास ली थी अरुणा भिक्षु से। दोस्तों, जब इनकी फर्स्ट फिल्म देवदासु रिलीज होने वाली थी तब ये बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये इनकी पहली फिल्म थी, बट जैसे ही इनकी फर्स्ट फिल्म देवदासु रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तबाही मचा दी और हिट हो गई, जिसके लिए इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद इन्होंने महेश बाबू के साथ फिल्म पोकिरी में काम किया और ये फिल्म भी सुपर हिट हुई। और फिर दोस्तों 2006 में इलियाना ने तमिल डेब्यू किया फिल्म केड़ी से, बट ये फिल्म आते ही फ्लॉप हो गई। फिर इसके बाद ये अपने एक प्रोजेक्ट में बिजी हो गई और इन्होंने कई फिल्में करी जैसे खतरनाक, राखी, मुन्ना, आटा, जुलाई, ननबन और शक्ति। और फिर 2012 में इलियाना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म बर्फी से और ये फिल्म आते ही हिट हो गई और इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और ये नॉमिनेट भी हुई फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। दोस्तों, इन्होंने अपना हर जगह 100% दिया है, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म हो या फिर तेलुगु और या तमिल फिल्म हो। और बात करें इन्होंने कौन सी फिल्मों में काम किया है तो मैं आपको बता दूं, इनकी फिल्मों में से कुछ फिल्मों के नाम हैं मैं तेरा हीरो, रेड, बादशाह हो, फटा पोस्टर, निकला हीरो, रुस्तम, हैप्पी एंडिंग और पागलपंथी। और इनकी आने वाली फिल्म है द बिग बुल और अनफेयर एंड लवली। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना इलियाना डिक्रूज आपको कैसी लगती हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको इलियाना डिक्रूज की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है रोनाल्डो डिक्रूज और इनकी मदर का नाम है समीरा डिक्रूज और इनकी दो सिस्टर भी है जिनका नाम है दोस्तों फरहा डिक्रूज और दूसरी सिस्टर का नाम है इलिन डिक्रूज और इनके एक ब्रदर भी है जिनका नाम है रीस डिक्रूज। और बात करें इनके बॉयफ्रेंड के बारे में तो मैं आपको बता दूं, इलियाना डिक्रूज अभी सिंगल है, इनका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अब बात करते हैं इलियाना डिक्रूज के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, इलियाना डिक्रूज मुंबई महाराष्ट्र में रहती है, जैसा कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं और ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहती हैं और इसके अलावा इनका गोवा में भी घर है। अब बात करते हैं इलियाना डिक्रूज के कार कलेक्शन के बारे में। तो इनकी फर्स्ट कार है ऑडी S5 स्पोर्ट्स बैग जिसकी कीमत है 80 लाख रुपये और दूसरी कार इनके पास है ऑडी Q7 और इसकी कीमत है दोस्तों 85 लाख रुपये और तीसरी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज GLC 200 जिसकी कीमत है 60 लाख रुपये। अब बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इलियाना एक फिल्म करने के लिए लेती है 3 से 4 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं इलियाना के नेटवर्थ के बारे में। तो इनका नेटवर्थ है दोस्तों $14 मिलियन जो कि होता है 105 करोड़ रुपये। तो ये थी इलियाना डिक्रूज की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इलियाना डिक्रूज के फैन है तो इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं।